मेरा हुक स्टेप गाना बजी तब आई गाना कैसे याद ना हुई। अपहिरे लू तू जब न थुनिया अहिले लो भभुआ मोहनिया तू चका चक लागे लू। लैला भर पेट भोजन ना भेल यार, सतुआ पी के आदमी कितना दिन रहे। के सुपरस्टार क्या खाते हैं, सत्तू लेके चलते हैं। नाम बताओ जरूरी बा। अरे जाए तो भैया कौन इंटरव्यू तू लेता हुआ बार। नजरिया चुरावल बहुत बात हो। भोजपुरी का गाना गा के यार 20 दिन लगातार ट्रेंडिंग नंबर वन पे है। बोलब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। अच्छा, आप फिलहाल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ना मैं दबंग हूँ ना मैं सलमान खान हूँ, पावर स्टार हैं कि नहीं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? अब जौन भी स्टार हैं वो हमके हमारा ऑडियंस बना ले बाब। सलमान खान आपको क्यों कहा जाता है, मतलब इस तरीके से बिल्कुल बना रखा है आपने बॉडी शॉट, इसलिए या फिर आप लोगों की मदद करते हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा का जब मामला सामने आया तो उनकी माँ जो है वो काफ़ी मतलब मदद भरी निगाहों से लोगों की तरफ देख रही थी कि कौन सामने आएगा, और उनका गाना भी आया आपके साथ आरा कभी हारा नहीं, इसके अलावा एक गाना आया और काफ़ी मतलब वो हिट रहा उनके जाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से आप उनके घर पहुँचे और वो जो सीन था जब वो वीडियो सामने आता है और उनकी मम्मी पापा को जब आप ये सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं इस घर का बड़ा भाई हूँ, उनके भाइयों को आप कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर पे कोई बात नहीं आएगी, तो क्या लगता है कि आपको कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी इसको लेकर के? अरे देखिए क्या है, भगवान हम आप क्या कर सकते हैं, इंसान एक जरिया होता है, जो करना होता है सब उनको करना है। ये सौभाग्य है कि इंसान के रूप में भगवान ने कुछ ड्यूटी दिया है कि हाँ तुम्हारे हाथों से ये काम होना चाहिए, तो आदमी कर पाता है। अच्छी कलाकार थी आकांक्षा दुबे जी, बहुत मेरे साथ काम भी की है, 4-5 गाना की होगी मेरे साथ, एक फिल्म की है नेपाल में। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट को यार दुनिया में इस इंडस्ट्री में एक ऐसा पवन सिंह कलाकार है जिसके ऊपर पता नहीं कितना आफत आया, ये आप देख लीजिए, ये देखिए किस चीज़ के निशाने में जाना। चलिए ये सब नहीं, आज आप बता ही दीजिए निशान किस चीज़ के। ये सब जो किस्मत में था वो बीत गया। एक बात है, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं दे सकता क्योंकि सब कोई अपने अपने नसीब से आया है। ये चोट लगा, काहे लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, इसके बारे में गा के क्या फ़ायदा। जो अपने लाइन में है मस्त रहे। और आपने जो बोला दबंगई दबंगई, बाप रे बाप, हम दबंग थोड़े हैं महाराज, हम कलाकार आदमी हैं। हाँ, एक जो आपने बोला भोजपुरी का सलमान खान, मैं मुझे मेरे ऑडियंस ने पवन सिंह बना दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी ऑडियंस का आशीर्वाद है, वो अपने दुलार प्यार में बोलते हैं कि भोजपुरिया किंग, पावर स्टार सलमान खान, तो ये मेरा सौभाग्य है जो हमारे ऑडियंस मेरे से इतना प्यार करते हैं। आगे सवाल करेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट भी कर रही हूँ और मैं चाह रही थी कि मतलब इंटरव्यू के बीच में ही बोलूँ, लेकिन फिर एक बार बोलूँगी क्योंकि आप आरा से हैं, आरा को लेकर के कई गाने भी आपने गाए, एक बार आरा वाला गाना हो जाता तो आरा वालों को भी बहुत मज़ा आ जाता, और यहाँ बगल में आपके पास एक आरा के लोग बैठे हैं तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता जब आप आरा को लेकर के गाना गा देते। देखिए क्या है, भोजपुरी भाषा जहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे सुना जाता है, या हम लोग इंडिया में रहें या इंडिया से बाहर खड़े रहें, लेकिन कोई भी आके अगर अब जैसे इसके पहले हम लंदन गए थे जी। तो अब दुनिया के किसी भी कोने में आदमी चला जाए, बट जो अपने घर का, जो अपने गांव का जो भोजन मिलता है वो भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन हमेशा ललायत रहता था यार, एक हफ्ता हो गई लैला भर पेट भोजन ना भेल यार, सतुआ पी के आदमी कितना दिन रहे। जो जितना बन सकता है आदमी ले जाता है, चलो भाई सत्तू साथ में रही, आदमी घोल के पी ली तो कम से कम मेंटेन रही। लेकिन अब भी आप कहीं जाते हैं तो सत्तू कैरी करके जाते हैं? हाँ, कुछ ना मिली तो कम से कम देहिया ना गिरे दी ना। क्या बात है, तो बड़े फैन है। तो अपना डाइट कैसे मेंटेन रखते हैं, क्या खाते हैं, देख लीजिए आपके सुपरस्टार क्या खाते हैं, सत्तू लेके चलते हैं। लंदन में हम लोग शूट कर रहे थे, वो कौन सा एक जगह है लंदन आई बोलते हैं कि पता नहीं क्या, वो 45 मिनट में घूम के आता है, पूरा लंदन उससे दिखता है। तो
दो जवान आ रहे थे हथियार लिए हुए, और हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, हाँ यार ये को तो इतना ठंडा पड़ता है यार, कैसे काम हुई, थर 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 थर। उसी में जब कान में साउंड आया, नमस्ते पवन भैया, का हाल चाल बा। मैंने बोला अरे भाई आप यहाँ पे इस ये में यार, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है यार। मेरे हमारे वो कोई पंडित जी थे, वो गोरखपुर से हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। और मैंने भाई से बोला अरे भाई तू अपने अपने अपन भाषा बोलने वाला भाई, तनी खाना खियाओ घर के। तो भाई हमारे कह लेंगे सॉरी भैया हम ब्याह ऐजे कैले बनी। लेकिन चलिए कोई नहीं, उस भाई ने बोल दिया कि भाई का हाल चाल बा, प्रणाम, तो यही एक भोजन है, वहीं गदगद हो गया। तो मैं यही बोल रहा था ना कि आपन भाषा कहीं भी सुनाई देला तो एक अलग सा अपनापन हो जाला, न कि मन में ये रहता है कि हरियाणा जिला के हमें तो हैजा बने, छपरा जिला के हमें तो हैजा बने, सिवान के बने तो हैजा बने, गोरखपुर के बने तो हैजा बने, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भाषा अपना भोजपुरी जब कान में आवेला तो सीधे दिल में उतर जाला। हाँ गाना बहुत पहले हमारे एक ऑल इंडिया हिट हुआ था, आरा जिला उखाड़ देला किला, तो वो समय कुछ और था, लेकिन आज के डेट में कुछ करा तो वही विवाद हो जा रहा है। नहीं विवाद से हट के अगर हम गुनगुनाने आपको बोले दो लाइन आरा जिला, नहीं जिसे गाया था ना कुछ साल पहले, आरा जिला उखाड़ देला किला, तो ऐसा नहीं है कि खाली ये गाना पवन सिंह अरे जिला में गोले बने तो ताली बजल बा, ये गाना हर जिला में पवन सिंह जाता है तो फरमाइश आता है भैया गाना गाइए गाइए, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये गाना गाया हूँ पवन गाया हूँ तो ताली हमको मिला है और ताकत मिला है, जियो पवन भैया। तो वो समय कुछ और था, लेकिन आज के डेट में मान लो कि अगर गा देनी हम आरा जिला पर गाना था, अरे बाप रे बाप ये कर रहे हैं तो वो पक्ष ले रहे हैं, अरे प्रभु अपना सोच बदलो, अपने काम में मन लगाओ, मस्त रहो। जैसे अभी ये गाना आयल बा ना आकांक्षा के साथ ही, ये मेरा गाना आया है, ये हमारे छोटे बाबा बसही के हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे फेवरेट हैं, बहुत स्वीट सॉन्ग बनाते हैं, इनके चैनल से गाना आया, ये भी गाना सुपर हिट हुआ। गोली चले चाहे छारा ये यारा कभी हारा नहीं है, तो यही सब प्यार है। अरे तो गाना याद रही तो अपने गाई, क्या करिएगा, पहले आदमी लिमिटेड काम करता था, अभी अनलिमिटेड हो गया है तो कितना आदमी गाना याद करे। हाँ तो याद होगा, हाँ वो तो बिल्कुल। आप इंग्लिश वर्जन निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के झूमने के बाद अब बाहर देखिए कि विदेशी इस गाने पर जिस तरीके से झूम रहे हैं कि वो भी अपना पार्टी अंदर बना रहे हैं उस गाने को। लॉलीपॉप क्या मतलब, ये गाने का ऑफर कौन लेकर के आपके पास आता, कि आपने गाना खुद से मतलब खुद से लिखा था? मेरा हमेशा से ये सोच रहता है और ये हमेशा मैं चाहता हूँ, जैसे कोई ट्यून डिसाइड होता है ना तो मेरे मन में कुछ आता है ना कि बाबू इस ट्यून पे ना इस टाइप का मैटर लिखो। जब ये ट्यून सेलेक्ट किया था मैंने आज से 15-16 साल पहले, तो जाहिद अख्तर मेरा राइटर, मेरे राइटर हैं, उन्हीं का शायद ये लिखा हुआ है ये आरा कभी आरा नहीं है। तो उनसे मैंने बोला भाई जाहिद एक काम करो, इस ट्यून पे ना ऐसा गाना लिखो कि हर शहर, हर जौन जौन गाँव के शहर बाना, आरा छपरा मोहनिया सिवान गोपालगंज गोरखपुर, ऐसा कुछ मैटर लाओ कि हर जगह का नाम आए। और देखिए ये किस्मत होता है, जब ये लॉलीपॉप गाना आया था ना तो रिलीज होते सुपर फ्लॉप गाना था, क्या बात है? गाना आते ही हिट नहीं हो गया। अच्छा। मैं भी बड़ा उमंग में था यार, भोजपुरी में पहली बार ऐसा म्यूजिक लेके आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपने में तो कूद रहा था। लेकिन हमारे म्यूजिशियन जो भाई थे वो लोग आपस में मतलब व्यंग करते थे कि मैं नहीं चलेगा गाना, अंग्रेजी गाना गाए हैं, भोजपुरी में अंग्रेजी गाना चली, इतना हाई फाई म्यूजिक चली। लेकिन यही देखिए किस्मत होता है कि वो गाना जो धीरे 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 जो बूम हुआ, आज भोजपुरी का वो गाना ब्रांड बन गया है। किसी भी लैंग्वेज में जाए आदमी, क्या है ये लॉलीपॉप ऐसा एक गाना हो गया है हमारे ऑडियंस के आशीर्वाद से, न कि पवन सिंह का। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, बाकी जिस स्थान को कितना महान बनाना है ये हमारे ऑडियंस के हाथ में है। आज के डेट में कहीं भी आदमी जाता है भोजपुरी के परिचय अगर मिलेला तब बड़ा खुशी होला कि लॉलीपॉप
गाना ना, लॉलीपॉप सिंगर ना, लॉलीपॉप सॉन्ग। मुझे लगता है कि अगर मुझे याद है, कैमरा के पीछे जो कैमरा गर्ल खड़ी है उसको याद है, यहाँ जितने लोग खड़े होकर इस वक्त आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है ये गाना उनके जवाब पे चढ़ा होगा, ये गाना आप तो नहीं भूल सकते। यही गाना कैसे याद ना हुई, ये पहचान है। हर गलिया पबलिया झूमे मुस्की पर झूमे लटाटा, गोरखपुर देवरिया में तो हर बुक रहे लसाटा, अपहिरेलू तू जब नथुनिया अहिलेलो भभुआ मोहनिया, तू चका चक लगेलू, तू चका चक लगेलू, कमरिया 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 करे लपलप लॉलीपॉप लगेलू। क्या बात है, मजा आ गया ये गाना सुन करके। मतलब ये थैंक यू, कहते हैं ना कि मुझे डांस करना नहीं आता, एक बार बस इस गाने को बजा के देखिए, देखिए डांस करना नहीं आता लेकिन तब भी डांस फ्लोर पे जाके जो कमर तोड़ डांस करते हुए लोग नजर आते हैं। अब एक सवाल ये कि पवन सिंह के तो बहुत करोड़ों दीवाने हैं, लड़कियां भी दीवानी है, लड़के भी दीवाने हैं, पवन सिंह किसके दीवाने हैं, पवन सिंह का फेवरेट कौन है, पवन सिंह किससे इंस्पायर्ड है? देखिए क्या है, मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला है कि हमारे लड़के दीवाने हैं, हमारे दीवानी हमारे दीवाना दीवानी लड़कियां हैं, नहीं। क्या है, जितने भी समाज में जो भी हैं, हमारे भाई हैं, भैया हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं और माताएं बहनें हैं। जैसे मान लीजिए ये भक्ति गाना जो मेरा माँ अम्मा फिल्म भक्ति चैनल से आया, रोवेले रघुराई, ये भोले बाबा, तो ये हमारे भाइयों के साथ साथ हमारे समाज में जब तक ऐसे भजन को, अच्छे अच्छे सॉन्ग को जब तक माताएं बहनें नहीं सुनेंगी तब तक वो इस स्थान पे वो गाना नहीं पकड़ सकता है। बाकी ट्रैक्टर और टेम्पू में बाजे वाला गाना उइले बजलें, एक महीना में गायब भइले, फिर पतो नहीं कि वो कब बजा कब गया, लेकिन जिस सॉन्ग को, जिस भजन को या जिस भी गाने को हमारी माताएं बहनें लाइक करती हैं वो बहुत लंबे समय तक रन करता है, वो गाना हो या भजन हो। तो हाँ, तो क्या बोला था आपने कि पवन सिंह किसके दीवाने? हाँ, तो जे हमके चाहे लाओकर दीवाना हमू हैं। आगे क्या आप सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाह रही थी, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो उनका भी तो कोई ना कोई फेवरेट होगा ना, ये जानने की कोशिश कर रहे थे हम। अब जे फेवरेट बा मान लो कि ओके, ओकर नाम बताओ जरूरी बा। अरे बिल्कुल बता। अरे जाए तो भैया कौन इंटरव्यू तू लेता हुआ बार ना ना ठीक है, हमारे इतने दीवाने हैं, ये मेरा सौभाग्य है, जो हमारे दीवाने हैं उनके दीवाने हम हैं। ऐसा कलर, आज महाराज आज मंगलवार दिन है, शुभ दिन है, सावन महीना चलता, ये चलते हम पहले बने। अब बाकी आगे का जो आपने बात किया ये है कैसे क्या करेंगे, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मेरे ऑडियंस ने ही मुझे गायक बनाया, ठीक है, मेरे ऑडियंस ने ही मुझे नायक बनाया। और आगे जो आपने बोला कि इस चीज़ की बारी है, तो अगर हम नेता भी बनते हैं तो हमारे ऑडियंस ही हमको नेता बनाएंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल। और अगर चुनाव लड़ने का आपको मौका मिलता है तो कौन सी जगह होगी जहां से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? ऊपर से जैसन आदेश हुई कि पवन तोके यहां से चुनाव लड़ना है, वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, मेरे लिए ओके है। ठीक है, अभी तो पिछले दिनों देखा हमने कि आप ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आप बीजेपी के एक मतलब ईमानदार सिपाही हैं, तो लेकिन आपको तेज प्रताप के साथ भी देखा गया, उनके पास अब क्या करेगा, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगे, उसके बाद ये सवाल भी शुरू हो गया कि कहीं
आरजेडी से तो नहीं टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तेज प्रताप के साथ वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले इस पे बहस हो ही चुका है, कुछ बातें हमारे कान में आई थी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, हम जिस पार्टी से जुड़े थे उसी पार्टी से हम जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। रही बात आदमी किसी भी पार्टी से हो, और जब दो मित्र या दो दोस्त या दो भाई जब आमने सामने होते हैं तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हम लोग हाय हेलो नहीं कर सकते हैं या गले नहीं मिल सकते हैं। तो वही ये है, तेज प्रताप जी बड़े भाई हमारे हैं, मुझे मानते हैं, तो जब भी हम उनके सामने जाएं या वो हमारे सामने आएं तो हम लोग अच्छे से मिलते हैं, और कोई ये नहीं है। ठीक है, पवन सिंह ने अपने पूरे करियर में कई गाने गाए, कोई एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है, जो आप हमेशा या फ्री टाइम में गुनगुनाते हैं या वो यादगार बन गया वो गाना आपके लिए? मेरे जीवन में एक दो गाना ऐसा है जो मैं कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो गुनगुनाता हूँ। जैसे ये गाना है, हर सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। आपका वो गाना लाल बिंदिया, लाल बिंदिया से इस तरीके से आपका एक गाना है, लाल बिंदिया से निंदिया हराम हो गईल, रान नाना जिंदगिया गुलाम हो गईल। यही गाना शायद यही गाना है, काफी प्यारा गाना है ये। थैंक यू। पवन सिंह का हुक का स्टेप कौन सा, हुक स्टेप कौन सा आपका? मेरा हुक स्टेप गाना बजी तब ना, लेकिन है कौन सा? कुछ नहीं, देखिए कितना भी अंग्रेजी डांस हो जाए, कितना भी हम लोग जो भी डांस करना हो कर लें, लेकिन भोजपुरी ऑडियंस के बीच में जब तक आप ठुमका नहीं लगाइएगा, जब तक पवन सिंह या कोई भी स्टार, कोई भी कलाकार जब तक अपने कमर का खेला नहीं दिखाएगा तब तक क्लैपिंग नहीं हो सकता है। मेरा भी कमर का डांस फेवरेट है। कमर का डांस फेवरेट है, और उसमें तो कमाल का देखने को मिला, जहां आप गा रहे थे रॉयन के साथ कमरिया हिला रही है। तो ये मतलब भोजपुरी से अब आप देखिए कहीं ना कहीं हिंदी गानों की तरफ या बढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी कई गाने आपने हिंदी में भी गाए हैं, जैसे जब एक गाना मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया होते रहे। जैसे भोजपुरी में हिंदी मिक्स करना, भोजपुरी में पंजाबी मिक्स करना, भोजपुरी में इंग्लिश वर्ड मिक्स करना, या हिंदी के तरफ जो भी मैंने गाना किया, कमरिया हिला रही है, बारिश हो गया, और भी दो चार सॉन्ग मैं हिंदी का भी करने जा रहा हूँ। तो बस एक प्रयास है, और मन में एक सोच भी रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई हम अदर लैंग्वेज में कोई भी आर्टिस्ट के लिए फ़ोन करिए ना, जैसे फीमेल आर्टिस्ट हो गई, मैडम ये काम है करिएगा, हाँ जी बोलिए, क्या लैंग्वेज क्या है भोजपुरी से, तो इससे बड़ा तकलीफ होता है, मन कचोटता है। हमेरा हमेशा से ये चाहना रहा है और हमेशा रहेगा, और ये मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी लैंग्वेज में कोई भी आर्टिस्ट आए, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो भी अपने दोस्तों को गर्व से बताए कि हाँ मैं भोजपुरी करने जा रहा हूँ और भोजपुरी करने जा रही हूँ, ये मेरा चाहना है। बाकी देखिए ये मेरा प्रयास कहाँ तक सफल होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री पे अगर हम बात करें तो देखिए कि आज यूपी बिहार में अगर हम खास के बात करें, बाकी जगहों पे भी तो भोजपुरी है, लेकिन यूपी बिहार में देखिए कि बहुत लोग भोजपुरी बोलते हैं बहुत जगह, और ये भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, सबसे ज़्यादा लोग हैं ये उस भाषा को बोलने वाले हैं, लेकिन देखिए कि भोजपुरी अभी भी उस तरीके से खुल करके सामने नहीं आ पाई है, उस तरीके से उसका विकास नहीं हो पाया है जिस तरीके से अब तक हो जाना चाहिए। आज हम लोग भोजपुरी में गाना गा रहे हैं तो अदर लैंग्वेज के लोग देखते नहीं हैं कि हाँ ये कलाकार कौन सा गाना है, भोजपुरी का गाना गा के यार 20 दिन लगातार ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, ट्रेंडिंग नंबर 2 पे है, 3 पे है, या 1 पे ही है 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक गाना रहा है।
तो ये सब लोग देखता ही होगा ना कि हाँ यार भोजपुरी, भोजपुरी का गाना नंबर वन ट्रेंडिंग पे पूरे हिंदुस्तान में। हमारा जो है वो हमनी के गर्व से बोली ला जाए हिंदी भाषा, तो हिंदी के बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी से बड़ा कैनवास किसी लैंग्वेज का नहीं है। लेकिन दुख की बात यही है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे छोटी है, जबकि हमारे भोजपुरी में करोड़ों की फिल्में बननी चाहिए थी। जिम्मेदार बस हम ही लोग हैं, आपसे में लड़ना है। जब आपसे में हम लोग लड़ के भेड़िया आ जाएंगे तो फिर दूसरे से क्या बात करेंगे। यही हमारी कमियां हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे अंदर कमी नहीं है, मैं दूसरे को दोषी दे दूं। हम सहित हम लोग दोषी हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। तो हम सबको मिल के मेहनत करना चाहिए, आपस में थोड़ा प्रेम दर्शाते, अरे यहाँ से मत दर्शाओ, यहीं से दर्शा दो। तो क्या ना, हम लोग जब आपस में एक रहेंगे तब ना दूसरे से बात करेंगे, हाँ जी आप हैं तो हम भी हम हैं। यहाँ आपसे में लड़ना है। तो बिल्कुल, अब जाते जाते पवन जी, मैं चाहूँगी कि एक गाना आप अपने दर्शकों के लिए बना दें, जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करके अभी इंटरव्यू में पसंद करने वाले हैं। ये अभी हमारे जौन भजन आयल हुआ रुवेल रघुराई, जौने भजन के बहुत आशीर्वाद मिला था, बहुत दुलार मिला था, बहुत प्यार मिला था। गाने का गाना के बोल बा, भगवान राम जी अपने भाई के लिए गुहार कर रहे हैं। शक्ति बहन लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, शक्ति बहन लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, अखिया खोला बाबुआ हो अखिया खोला बाबुआ, बोलब के छोटका भाई, अखिया खोला बाबुआ, का जाके हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई, अखिया खोला बाबुआ हो अखिया खोला बाबुआ, बोलब के छोटका भाई, अखिया खोला बाबुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे कि काफी दिन से जिस सुपरस्टार का आपको इंतजार था, और बार बार जब भी आपको स्पेशल इंटरव्यू लेकर के आते थे तो हमेशा जो आपका ये सवाल होता था कि भाई पवन भैया को लाइए, पवन भैया इंटरव्यू में क्यों नहीं आते हैं, तो देखिए आज हम हाजिर हैं आपके पवन भैया के साथ, और पवन सिंह ने सारे सवालों का जवाब काफ़ी मुखर होकर के विभाग के साथ दिया, मुखर होकर के और काफ़ी बेबाकी के साथ दिया। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही बने रहें भारत के साथ। थैंक यू।